हिंदी सिनेमा की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का नाम हर कोई जानता है। 90 के दशक में हर बड़ी फिल्म के साथ सरोज खान का नाम जुड़ा होता था। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में लगभग 2000 से ज्यादा फिल्मी गानों का कोरियोग्राफ किया है। उन्होंने माधुरी से लेकर आलिया तक हर किसी को अपनी ताल पर नचाया है। लेकिन करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद सरोज जी ने बॉलीवुड में एक बुरा दौर भी देखा है। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन इन हालातों में भी सरोज खान ने अपने काम को लेकर समझौता करना नहीं सीखा और इसलिए उन्हें एक बड़ी फिल्म से हाथ धोना पड़ा जिसकी लीड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ थी। ۹۸ में आई आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में कैटरीना कैफ ने लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म के लिए पहले कैटरीना के गानों को कोरियोग्राफ करने के लिए सरोज खान को साइन किया गया था, लेकिन कैटरीना ने सरोज खान के साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में सरोज खान ने इस बात का खुद खुलासा किया था और कहा था कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान के मेकर्स ने मुझसे कैटरीना के गानों को कोरियोग्राफ करने के लिए कहा था, लेकिन कैटरीना कैफ रिहर्सल्स के बिना डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। सुरैया गाना शूट करने से पहले कैटरीना ने कहा था कि वो बिना प्रैक्टिस और रिहर्सल्स के डांस नहीं करेंगी, इसलिए मुझे इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया, जिसके बाद प्रभुदेवा ने मेरी जगह ले ली। अब कुछ समय पहले ही ऐसी खबरें भी बॉलीवुड गलियारों में खूब उड़ रही थी कि सरोज खान ने अपनी खराब तबीयत की वजह से रिटायर होने का मन बना लिया है, लेकिन इन खबरों को सरोज जी ने बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि मैं अच्छा काम करना चाहती हूं और फिल्म के सेट पर वापस जाना चाहती हूं। आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म में आमिर कैटरीना के अलावा अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख अहम भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप रही थी कि इसके लिए आमिर खान ने कई बार अपने फैन से माफी भी मांगी थी।